जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों इस समय बजाज फार्म में आप देख सकते हैं सुरेंद्र उड़ाना जो है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम इस समय कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ ये कार्यक्रम रहने वाला है ये सब आपको इस समय दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लाइव तस्वीर आपके समय बजाज फार्म से दिखाई जा रही है। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहें। लाइव तस्वीर इस समय बजाज फार्म से आपको दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं समय सुरेंद्र उड़ाना के समर्थन में समय जो कार्यकर्ता है यहाँ पर पहुँचते नजर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में देखिए कि एक बड़ा ऐलान हो सकता है। चलो तो आज इंद्री बजाज फार्म में मौजूद है जहां पर सुरेंद्र उड़ाना जो है एक महापंचायत करते नजर आ रहे हैं। निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि आगे चुनाव विधानसभा का लड़ा जाएगा या नहीं। ऐसे में ये तो देखने वाली बात है क्या कुछ कह रहे हैं सुरेंद्र उड़ाना, एक बार ये जानने का जरूर प्रयास करेंगे। लेकिन मेरे पीछे समय देख सकते हैं जो सुरेंद्र उड़ाना के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि चुनावी जो सरगर्मियां तेज हैं, ऐसे में चुनाव में जो सुरेंद्र उड़ाना है क्या वो मैदान में उतर सकते हैं, ये सवाल यह चिन्ह जरूर खड़ा होता है। और ऐसे में बजाज फार्म में एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सुरेंद्र उड़ाना पहुंचे हुए हैं और अपने समर्थकों से इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार सुनवाते हैं आपको सुरेंद्र उड़ाना से कि क्या कुछ कह रहे हैं इस महापंचायत को लेकर के। मैंने मैसेज कर रहा था, ऐसे वीडियो कॉल का मैसेज कर रहा था, उस पर फेसबुक पे लाइव कर रहा था, अभी मेरा टिकट नहीं मिली, अभी मैंने क्या करना, फिर हम बजाज पहले समा जाओ सारे, तो सारे साथी यहाँ आए थे, इन्होंने सारों ने मिल करके निर्णय लिया है। मैंने कहा था भाई मेरी इतनी भी नू भी नहीं, अभी मैं बुजुर्ग हो गया भाई, आप अगर कह दो वेट करना है तो वेट कर लेंगे, तो इन्होंने सारों ने कहा भाई इन्हें लो बस गठबंधन की आपको टिकट लेंगे हम आपकी और आप चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और चुनाव जीतना है। यहाँ किसका अभी सलाह क्या हुई है मीटिंग में? सलाह ये हुई भाई गठबंधन की टिकट लेकर के चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी हाँ जी, देखो वो तो बड़े नेता हैं और उनका भी पता नहीं क्या निर्णय रहेगा, भी वो क्या करेंगे उनका भी निर्णय है जी, देखो वो भी बड़े नेता हैं। हम सुरेंद्र जी जिस तरीके से आप बीजेपी में रहे, इतना लगाव रहा, इतने कार्य किए, रैलियां की, और ऐसे में बीजेपी जो है नकारती नजर आ रही है अपने कार्यकर्ताओं किस तरीके से? देखो मैंने पहले कहा जी मैं किसी की भी बुराई नहीं करता, भाई उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा, उन्होंने जो करा भाई उनके साथ है, उन्होंने जिसका जो करना था उनके साथ है, जो जैसा करेगा वो वैसा भुगतेगा। अगर किसी ना किसी ईमानदार कार्यकर्ता को, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, ऑनेस्ट लोगों को ही अगर नकार दिया ना तो अपने आप भुगत लेंगे, अब क्यों उनकी बुराई करा। कल तक मैं बीजेपी के गुण गाऊँ था और आज मैं गालियां दूँ तो भाई मेरे पे यूँ काम तोड़ने का नहीं है। बस देखो भेदभाव मान लो मेरे साथ होया तो मना लगेगा, अब क्या पता किसी के साथ नहीं करो और साथ नहीं करो तो मेरे साथ होया जी मना ही लगेगा, तो मैं क्यों भेदभाव कर रहा, क्योंकि मन मेरा दुख अपना आयो भी मेरे साथ करा तो मैं कहीं मन में टीस है इस चीज को लेकर, टीस हुआ तभी तो निर्णय ले जावा। आज की मीटिंग का क्या निर्णय लिया? निर्णय लिया सारे साथियों ने इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे। तो लगता है कि जो जिस तरीके से बीजेपी को हराने का काम करेंगे आप जो है उनकी फाइट में रहेंगे? किसी को हराने का काम नहीं करते, जीतेंगे हम, किसी को नहीं हराते, हमने जीतना बस। नहीं आप जिस तरीके से करें इनेलो की जो है टिकट लेकर में बीजेपी का आमने सामना, तो क्या किसी को नहीं रन दे, किसी ना आजाद ना रन दे, किसी पार्टी ने रन दे, कांग्रेस ने रन दे, भाजपा ना दे, हम जीतेंगे बस। कहीं ना कहीं तो हराने के बाद जीत पाएगी। हाँ जी कहीं ना कहीं कोई सी पार्टी को हराने के बाद जीत, ऐसा है बहन जी, हम किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, हम चुनाव अपने जीतने के लिए लड़ रहे। हराने के लिए वो तो वो लोग लड़ा जिन्होंने फेमस होना हुआ, भाई मैं दूसरे नंबर पा गया, मैं तीसरे पा गया, मन्ना जितने चुनाव लड़े हैं ना मेरे चुनाव को पता चला भाई इसने चुनाव लड़े हैं, मन्ना कभी जमान जबत के चुनाव नहीं लड़े हैं, मन्ना चुनाव लड़े तो सरपंच भी बन लिया, जिला पार्षद भी बन लिया, और विधानसभा का चुनाव लड़े हैं ना तो जितनी बहन है मेरे साथ है यहाँ से और जितने साथी हैं तो आपने नू ही पता चलेगा बाद में भी जीत गया। कहीं कहीं समर्थकों में तो निराशा नजर आ रही है। हाँ निराशा, टिकट नहीं मिली तो निराशा बहुत खूब थी, तो लेकिन ये है कि आप वो है कि आप किसी को आप तो पहले कह दिया, आप किसी ने उल्टा सीधा बोल देने, कल तक बीजेपी के मैं गुणगांव था भी, पार्टी ने ईमानदारी से काम करा, मनोहर लाल जी ने ईमानदारी से काम करा, बैकवर्ड का सीएम बन गया और आज मैं उल्टा बोलूँ, मेरे पास यू काम तो नहीं, बस ये है कि उनका जो निर्णय है ना भाई, आपने विधायक बनाना है यहाँ से कोई, यहाँ ऐसे लोग जिनके कहने थे कम से कम पटवारी सुन ला, तहसीलदार सुन ला, SDO सुन ला, SDM सुन ला, SHO सुन ला, भाई ऐसे लोगों को आप टिकट दोगे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा भाई, आप ऐसे लोगों को टिकट दोगे जो अधिकारी होते मंथली लेन दो
और मंथली लेखा अधिकारी काम ही न काम कैसे कर देंगे अधिकारी, जब कोई बंदा नु कहा फोन करका भाई ओहो एसडीओ फोन उठा रहा, अरे जिसका फोन एसडीओ एसडीएम तहसीलदार है सचो डीएसपी ना ठावा के ऐसे लीडर का करना हमने क्या क्या काम है मरना पूरा, कोई इन लोगों ने चोरी ठगी डाके थोड़ी मारने इन छोटे छोटे काम ही तो हाँ, और जिनके यही नहीं काम हुए तो क्या वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मैदान में दोबारा विधायक को उतारा है रामकुमार कश्यप, वो क्या मानते हैं आप इस चीज को लेकर के, जनता क्या साथ दे पाएगी? आप रिजल्ट देखियो, उसका रिजल्ट इतना भयंकर उन्हें पता चल जाएगा। दोबारा इंद्री विधानसभा के अंदर कोई भी बाहर का आदमी मुंह करके सुनेगा इंद्री विधान, आज के बाद ऐसी स्थिति कर देंगे हम कि इंद्री माँ इंद्री के ही लोग एमएलए बने करेंगे और यहाँ के लोकल रहने वाले लोग एमएलए बने करेंगे, ये स्थिति होगी आने वाले समय के अंदर। असल में तो बीड़ा ठाया था और ठा दिया तो मेरी इस तरह ठा दिया, अभी पता चलेगा भी यहाँ कुछ होया। कहीं ना कहीं युवाओं में इस चीज को लेकर के निराशा लग रही है, एक तरफ जहाँ जन सैलाब इकट्ठा करते नजर आ रहे थे और जो दौड़ में भी शामिल थे टिकट के उसमें, और एकदम से अचानक ऐसा हुआ कि उसको नाम नहीं आया। हाँ जन सैलाब, 8 बार इंद्रनाथ मंडी में रैलियां करी, आज तो मीटिंग थी, हाँ तो 100-200 भाइयों की मीटिंग थी, बहनों की मीटिंग थी, तो इसमें तो पंचायत थी, तो पंचायत में अपना निर्णय लेना था तो इन्होंने निर्णय लिया, तो अब जब निर्णय लिया इन्होंने चुनाव उसका भी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो जब इन्हें चुनाव लड़ने का निर्णय लिया तो इन साथियों ने भी हौसला जब होगा भी इन्हें पता लगना चाहिए जो इन्होंने नेता चुने भी मारे नेता में कितना दमा, इन तभी दम दिखाएंगे भी मारे में कितना दमा। सुरेंद्र भाई सुरेंद्र भाई सुरेंद्र भाई करे पुकार सुरेंद्र भाई अपनी तो विधानसभा चुनाव को लेकर के आपने कमर कस ली है मैदान में? हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा है कि आप गठबंधन की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, आजाद चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि पता क्या बात हो, जिस तरह एक और 11 हुआ ना, जिस तरह एक और 11 हुआ, इसी तरीके से जब एक तो हमारा खुद का वोट बैंक, हमारा वोट बैंक का सब ने पता, जब हम 10,000 आदमी इकट्ठे करता ना रैलियों में 10,000 आवा और अपने तेल ते अपने खर्चे ते आवा, तो उन 10,000 गल दो तीन तीन तो होंगे। अब आप हो भाई साहब, आपका 2-4 आदमी तो आई हैं जो अपना प्रेम प्यार करा, तो जो वे 10,000 लोग आओ उनका 2-4 आदमी तो मान लें 20-30,000 पदम हम वैसे ही खड़े रहा, इतनी तुम्हारे में पावर है, हम सरपंच रह लिए जिला पार्षद बन लिए। और इनेलो बसपा का जो वोट बैंक है वो कैडर का वोट बैंक है, वो दोनों एक स्ट्रॉन्ग पार्टियां जिन्होंने नेता पैदा करे जिनके कार्यकर्ता हैं, तो उन दोनों को मिला करके हम ना मिला करके एक और 11 हो जाएंगे और ये 11 मिल करके इंद्री में राज स्थापित करेगा। तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई है इनेलो के साथ आपकी, क्या क्या कुछ आगे रहेगा? मैसेज है पार्टी हाईकमान के ऊपर से, उन्होंने मेहनत देखी है पार्टी हाईकमान ने, बसपा के जो बड़े शीर्ष नेता हैं उन्होंने देखा कि भी बैकवर्ड समाज के अंदर से गरीब आदमी जिसका बाप मजदूरी करता रहा और वो आदमी भी इस तरह बढ़ रहा, तो उन्होंने संपर्क करा, संपर्क करके चाय पी कर गए मेरे पास, बोले भी अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ो तो हमें बड़ा अच्छा लगा, भी ऐसे लोग भी जो मेहनती हैं, मन तो पता ही नहीं था भी इतने बिस्तरों के मेहनती लोग भी यहाँ से हैं, तो उन्होंने संपर्क करा और जब उन्होंने संपर्क करा तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी भाई आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा जी कह रहे आप काफ़ी वोट ले सको, मैं कह मैं काफ़ी वोट लेने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो जीतने वाला ही आदमी हूँ, मैं सेकेंड थर्ड नंबर वाला आदमी नहीं हूँ, मेरा तो सिर्फ जीत के अलावा मेरा टारगेट ना अर्जुन ने जिस तरह मछली की आंख दिखा दी ना, मेरा टारगेट सिर्फ जीत रहा, दूसरा टारगेट नहीं रहता बिल्कुल भी। मैं कहा मैं फिर एक बार साथी से सलाह कर लूँ पहले कि तो मान ले मैं आप हाँ कर जूँ, पर मेरे साथी कल ना मेरे तेनों कहता भाई हाँ तन्ने किस तरह निर्णय ले लिया, तो फिर देखो इनके बिना तो मेरे पक्के मेरी औकात नहीं है, यही तो मारा बाप मजदूरी करता रहा और मैं इनके बिना निर्णय ले लूँ, चला तो ये रहे ना मना सिस्टम तो ये बना रहे ना, अपना घर तो ये भूख रहे ना मेरे पास। बीजेपी पार्टी आप छोड़ रहे हैं फिर तो फिर तो पार्टी से इस्तीफा हो गया ना, तो अभी तो नहीं मैं ही नहीं कहता खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आप किसी को क्यों खामिया, हम क्यों को हम तो अपनी लाइन बड़ी करनी, हम ना किसी से कोई बैर नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई गलत नहीं बोलते, किसी की कोई बुराई नहीं करते। मैंने सरपंच जिला परिषद का चुनाव लड़ा, मैंने कभी नहीं बोला भाई फलाना बंदा चुनाव लड़ रहा है यू नू आ ना भाई मम कैसे हम अपने आप को दिखाओ भाई अपने अंदर क्या हुआ नहीं। अगर आप बीजेपी के नेता अगर आपके पास आते हैं मनाने के लिए तो आप? मैंने कहा कि एक बार मैं कदम अगर रखे करूँ तो मैं दोबारा पीछा नहीं रखेगा था, मेरे को टिकट मिल गई इनेलो बसपा की तो मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे साथियों ने निर्णय लिया, मैं अगर कदम रखा पीछा रखे नहीं करता हूँ। ठीक, ये सुना इस समय सुरेंद्र उड़ाना को उन्होंने चुनावी मैदान में उतरने का संकल्प ले लिया है,
पंचायत में फैसला लिया गया है कि अब वो मैदान में उतरेंगे और विधानसभा चुनाव जो होगा वो कैसा रहेगा ये सब आपको इस समय दिखाएंगे। लेकिन समर्थकों का जो सहयोग और स्नेह मिला है उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो मैदान में उतरने वाले हैं। ऐसे में क्या कशमकश रहेगी ये समय बताएगा। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज कुमार।